क्या कुछ और बताना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, ये जो पिक्चर है ये आई ओपनर है। हम बुजुर्ग लोग जो हो जाते हैं, मैं जैसे अब 83, लेकिन मेरे अंदर टैलेंट कम नहीं हुआ अभी तक। हमारे लिए कोई आउटलेट भी नहीं है, अभी फिल्मों वाले भी नहीं बुलाते, और घर में भी लगता है कि घर में बैठा है आदमी बोर हो जाता है, नेगेटिविटी आती है। ऐसी जगह पर जाने से आदमी का माइंड पॉजिटिव हो जाता है, हम भूल जाते हैं कि हम बूढ़े हैं और हम हमेशा जवान रहने की कोशिश करते हैं। स्वामी देवानंद ने भी मुझे बताया था कि यू आर एज ओल्ड एज यू फील, नेवर से यू आर ओल्ड, यू फील यू आर ए यंग बॉय एंड ट्राई टू लिव इन द कंपनी ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, यू विल नेवर फील ओल्ड। वो फार्मूला है, वहाँ पर हम लोग जाते हैं ऐसी जगह पर तो भूल जाते हैं सब चीज़ें और आपस में एंजॉय करते हैं, अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं एक दूसरे का, टाइम पास हो जाता है और पता भी नहीं लगता कि कब हम आए थे कब जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश वक्त वापस जाते हैं। और मैंने जो फिल्म देखी है मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा इसको तो कई अवार्ड मिलेंगे मेरे ख्याल से, इट इज़ आई ओपनर। ऐसी फिल्में बननी चाहिए ताकि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पता लगे कि वहाँ पर जाने से जो एज हो कौन से हो वहाँ से अच्छा ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर आपका टाइम पास हो और आपके ही टाइप के लोग हों, अपने ही ग्रुप के लोग हों, तो बहुत ही मज़ा आता है। मैं सच कहता हूँ इस फिल्म की मेकिंग को मैंने इतना एंजॉय किया है, मैं पिछले 55 सालों से फिल्मों में काम कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, आज भी मेरे अंदर वही फायर है काम करने का, लेकिन आजकल काम उतना मिलता नहीं हम लोग। ऐसी पिक्चरें बनेंगी तो मज़ा आएगा, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए भी एक आइडिया आ जाएगा कि देखिए हम लोग ये जो वो ओल्ड एज वाले होम होते हैं उनसे थाउजेंड टाइम बेटर ऐसी जगह आ जाए, यहाँ पर आपको बिल्कुल अकेलापन नहीं लगेगा क्योंकि अपने ही एज के ग्रुप के सब लोग होते हैं। और ये पिक्चर इन्होंने बहुत मेहनत से बनाई है और एंटरटेनमेंट तो इतना है कि आप इतना एंजॉय करेंगे इस फिल्म को, इतने अच्छे अच्छे पंचेज हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता।